हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल्स। टुडे इज़ द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द एनटीपीसी रेलवे एग्जामिनेशंस, ऑफिशियल नोटिस एग्जामिनेशंस नोटिफिकेशंस के बारे में है। और अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को बरकरार रखें, क्योंकि बहुत ही अच्छी जानकारी आई हुई है जो ऑफिशियल की तरफ से है, और जिसके लिए आप लोग काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि परीक्षा कब होगी, कैसे होगी, कितना समय में फ़ाइनल होगा। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी आपको बताएंगे। आप मेरे वीडियो से जुड़े रहिए। और सबसे पहले आपको बात बताना चाहते हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द एग्जामिनेशन एनी अपडेशन, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल। ओके, तो लेट्स गो। हेलो, तो हाँ, आप लोगों ने रेलवे में एग्ज़ाम दिया, रेलवे में एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे, आपने फॉर्म इससे पहले एनटीपीसी का एग्ज़ाम के लिए भरा होगा। तो रेलवे में टोटल 35,000 से अधिक भर्तियों के लिए जो है परीक्षा कराने के लिए टेंडर की इन्फॉर्मेशन लीक हुई है, जो कि पेपर में आई हुई थी। और एक अधिकारी के माध्यम से पता चला कि 35,208 पदों के लिए 1.26 मतलब 1,26,00,000 अभ्यर्थियों ने इसके लिए फॉर्म भरा हुआ है। उसमें अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट सभी लोग हैं, और जिसमें जो पोस्टें हैं टाइपिस्ट, क्लर्क, टाइम, स्टेशन मास्टर, गार्ड शामिल, ये सब परीक्षाएं हैं। और आपको एक बताना चाहेंगे, परीक्षाएं जो हैं ये तीन चरणों में होंगी। तो परीक्षा तीन चरण में होगी, और परीक्षा जो है आपकी 2021 में पूरी तरह से समाप्त होगी, और 2021 में ही पूरी प्रक्रिया कर ली जाएगी। कहने का मतलब है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2021 तक कंप्लीट होकर आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। ये आज के न्यूज़पेपर में ये इन्फॉर्मेशन आई हुई है, जो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं अपडेट कर रहा हूँ। और इसके अलावा अगर कुछ भी और भी इन्फॉर्मेशन अगर आती हैं तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। ये भी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन थी जो आपके सामने है। तो आप ये कह सकते हैं कि अपनी तैयारी को आप स्टार्ट कर दें, अगर आपने नहीं स्टार्ट की हो। और सबसे अच्छी बात यह कि आप लोग काफ़ी खम हो गए होंगे कि यार अभी तक एग्ज़ाम नहीं कराया है, क्या है, पेपर फाइनल पहले ही हो गया था, सब कुछ फॉर्म भरा लिए गए, पैसे जमा हो गए, लेकिन एग्ज़ाम तक नहीं कराया अभी तक। तो आप क्या करें, वो तो गवर्नमेंट का ही अपना जो भी है वो तो ठीक है, लेकिन अपडेशन से कुछ उम्मीद जागती है। तो बस यही सोचो, अपनी तरफ से भी पॉजिटिव रहो और एग्ज़ाम की तैयारी पर जुट जाओ, क्योंकि 2 ही 3 महीने हैं, इसमें आपका अच्छा और बेस्ट हो जाएगा अगर आप मेहनत करेंगे। बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो। बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट वीडियो के लिए, अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।